अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी और आज हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान हार गया लेकिन भारत जीता नहीं। आप भी बहुत हैरान हो रहे होंगे कि भाई ये हसन हाशमी को हो क्या गया है, कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है। यकीनन आप अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी मैं ये साबित करूंगा पाकिस्तान हार गया लेकिन भारत जीता नहीं है। नाज़रीन, हकीकत में भारत जीता नहीं है, भारत को जिताया गया। कैसे? नाज़रीन, वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अहम मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कराने का फैसला करके दुनिया भर के क्रिकेट माहिरीन को वर्ताए हैरत में डाल दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत मैच शुरू होने से पहले इस अहम तरीन मौके पर जितनी भी बहस हुई, इसमें दोनों ममालिक के साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक थी कि इस मैच में टॉस को बहुत अहमियत हासिल होगी। और जब मैच से एक रोज पहले दोनों टीमों के मैनेजमेंट ने पिच का मुआयना किया तो उसे बैटिंग के लिए इंतहाई साजगार करार पाया। चुनाचा बेशतर क्रिकेट माहिरीन का इत्तफाक था, दोनों टीमों में जिस टीम का कप्तान टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली पहले बैटिंग को तरजीह देगा ताकि बल्लेबाजी के लिए साजगार विकेट पर मुखालिफ टीम को 300 से ऊपर रन्स का बड़ा टारगेट देकर दबाव में लिया जा सके। नाज़रीन, ये माहिराना राय देने वालों में भारत के साबिक स्टार क्रिकेटर्स रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, सहवाग, हरभजन सिंह, जबकि पाकिस्तानी साबिक स्टार क्रिकेटर्स शुएब अख्तर और दीगर सब शामिल थे और इस बात पर मुत्तफिक थे जो टॉस जीतेगा मैच उसका, क्योंकि टॉस जीतने के बाद डेफिनेटली बैटिंग का फैसला वही टीम करेगी जो टॉस जीतेगी। नाज़रीन, मैनचेस्टर में मौजूद एक साबिक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर जिसके आज भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, उन्होंने बताया कि मैच से एक रोज पहले जब उसकी भारतीय टीम के चंद प्लेयर से बात हुई तो उनका कहना था कि इंडियन कप्तान और कोच समेत मैनेजमेंट के बाद दीगर अराकीन ने भी फैसला कर रखा था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी जाएगी और यह फैसला उन्होंने पिच की कंडीशन और मौसम की सूरत हाल को देखकर किया। नाज़रीन, साबिक खिलाड़ियों के बकौल भारतीय टीम मैनेजमेंट को खदशा था कि अगर वो टॉस हार गई तो पाकिस्तान बैटिंग विकेट पर एक बड़ा स्कोर करके भारतीय बैटिंग लाइन को अपने बेहतर बॉलिंग स्ट्राइक के जरिए नुकसान पहुंचा सकता है। नाज़रीन, साबिक खिलाड़ी ने एक और बहुत जबरदस्त इंकशाफ किया कि जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो ओल्ड ट्रैफर्ड के स्टेडियम में मौजूद था। उस मौके पर वो भारतीय कप्तान विराट कोहली के चेहरे पर परेशानी के असरात बखूबी देख सकता था, लेकिन जब हमारा कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला सुनाया तो कोहली का चेहरा खिल उठा। एक अजीब सी बात है, ये आप हाईलाइट्स में खुद भी देख सकते हैं। कोहली तसव्वुर नहीं कर सकता था कि थाली में रखकर मैच पाकिस्तान उसको देने जा रहा है। बहरहाल, पाकिस्तान की टीम के साथ इंग्लैंड में मौजूद एक ऑफिशियल के मुताबिक जब मैच से एक रोज कब कोच मिकी आर्थर और चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने पिच का मुआयना किया तो खुद हेड कोच मिकी आर्थर ने विकेट को फ्लैट करार दिया था। ऑफिशियल के बकौल बैटिंग के लिए साजगार फ्लैट पिच को मद्देनजर रखकर ही पाकिस्तान ने अपने एक फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करके दो रेगुलर स्पिनर्स अहमद वसीम और शादाब खान के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया था, क्योंकि विकेट पर घास का नामो निशान नहीं था और इस गेम प्लान के बावजूद टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का सुनहरी मौका गवाया गया और इंतहाई गैर मुतवक्क तौर पर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया। नाज़रीन, ऑफिशियल के मुताबिक फौरी तौर पर यह नहीं कह सकता कि गेम प्लान में आखिरी वक्त पर यह तब्दीली हुई तो क्यों हुई, ताहम तवक्को के मुताबिक टॉस जीतकर पहले बैटिंग की दावत देने का फैसला गलत साबित हुआ। यहां से हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पीटते रहे कि भाई बैटिंग पहले आपने करनी है, टॉस अगर आप जीत गए। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान को 337 रन का पहाड़ टारगेट दे दिया, साथ ही पाकिस्तान ने आलमी कप में एक और नई तारीख रकम कर दी। इवेंट की 44 साल तारीख में यह पहला मौका था कि पाकिस्तान ने आलमी कप के किसी मैच में 4 स्पिनर्स से बॉलिंग कराई। अब जो नाज़रीन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो माहिरीन से भी बड़ी राय है, क्योंकि माहिरीन ने तो ठीक बता दिया और पूरी दुनिया के माहिरीन ने बता दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बता दिया कि टॉस जीतकर बैटिंग पहले करनी है, क्योंकि जो बैटिंग पहले करेगा मैच उसका होगा। लेकिन नाज़रीन, एक और तबका भी था जो इन तमाम माहिरीन से ज्यादा गहरी नजर रख के बैठा था, क्योंकि उनके पैसे इस मैच से जुड़े थे, वो थे जवारी बुकिस। नाज़रीन, वो भी हैरान थे
क्योंकि बैटिंग विकेट पर टॉस जीतने के बावजूद बैटिंग ना करने के पाकिस्तानी फैसले ने सट्टे की आलमी मार्केट से जुड़ी बुकीज को भी हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। उनमें से नाज़रीन एक बुकी का कहना है कि क्रिकेट पर सट्टे से मुतालिक अपने कैरियर के 23 साल दौर में उसने यही देखा कि इस नौयत के जो गैर मुतवक्क फैसले होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। बुकी के बकौल वो फौरी तौर पर ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे क्या गड़बड़ है, लेकिन बहरहाल दाल सारी ही काली दिखाई देती है। आने वाले चंद दिनों में उसको रिपोर्ट मिल जाएगी, ये भी उसका दावा था। ताहम उसने कहा कि अपने तजर्बे की बुनियाद पर 3-4 निकात जरूर बता सकता हूं। नंबर 1 कि पाकिस्तान भारत के इस अहम तरीन मैच पर सिर्फ पाकिस्तान और भारत में 28 अरब रुपए से जायद का सट्टा खेला गया। इसमें से 18 अरब का जुआ मैच से पहले ही बुक किया जा चुका था। 3 अरब रुपए का सट्टा सिर्फ टॉस पर ही लगा था। इसमें से 40% सट्टा इस बात पर था कि दोनों टीमों में से टॉस कौन जीतेगा। बुकी के मुताबिक चूंकि वर्ल्ड कप में इससे कबल दोनों टीमों के दरमियान होने वाले तमाम 6 मैचों में से 5 में भारतीय टीम ने टॉस जीता था और हर बार टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बैटिंग का फैसला किया था, लिहाजा जवारियों ने सबसे ज्यादा पैसा भारत के टॉस जीतने पर लगाया। नाज़रीन टॉस पर 60% सट्टा इस पर खेला गया कि अगर भारत टॉस जीत लेता है तो पहले बैटिंग करेगा या फिर फील्डिंग, और पाकिस्तानी टॉस जीतने की सूरत में क्या फैसला करेगी। बुकी के मुताबिक नाज़रीन बैटर्स की 80% तादाद ने टॉस जीतने की सूरत में पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग के फैसले पर पैसा लगाया था, लेकिन ग्रीन शर्ट्स ने इसके बरक्स फैसला किया और बैटर्स के पैसे गारत कर दिए, किसी के नहीं हुए ये ग्रीन शर्ट वाले। नाज़रीन बुकी ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि पिच का मुआयना अमूमन तो टीम का कोच और कप्तान करता है और बाद अज़ा पिच की कंडीशन के मुताबिक फैसला किया जाता है। ताहम यहाँ एक गैर रिवायती सी बात थी कि पाकिस्तान भारत मैच से कबल मुआयना करने वालों में कोच मिकी आर्थर और साथ चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक भी मौजूद थे। हालांकि चीफ सिलेक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं होता, दुनिया भर की टीमों के चीफ सिलेक्टर का काम वर्ल्ड कप या किसी बड़े इवेंट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करके खत्म हो जाता है। बाद अज़ा मैच के लिए फाइनल प्लेइंग 11 का फैसला कोच और कप्तान मिलकर करते हैं, लेकिन इसके बरक्स चीफ सिलेक्टर टीम के हमरा इंग्लैंड गए। पीसीबी के अंदरूनी जराए हमें बताते हैं ना सिर्फ वर्ल्ड कप के टूर वो बोर्ड के खर्चे पर कर रहे हैं बल्कि फाइनल प्लेइंग 11 में भी उनकी तरफ से मुदाखलत पर शिकायत आम है। जबकि जराए ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि वर्ल्ड कप के बाद हेड कोच मिकी आर्थर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है। इसी तरह बॉलिंग कोच अजहर महमूद, बैटिंग कोच ग्रांट क्लार्क के अलावा चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक को भी फारिग करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। नाज़रीन नए चीफ सिलेक्टर्स के मुतबक्का उम्मीदवारों में साबिक टेस्ट स्पिनर अब्दुल कादिर और साबिक विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान का नाम सरे फहरिस्त है। लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत मैच में ये जो सवाल है कि ये गैर मुतवक्का फैसला क्यों किया, इस पर क्या तहकीकाती कमीशन नहीं होनी चाहिए। सारी दुनिया को मालूम है कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, जो पहले बैटिंग करेगा वो मैच अपने नाम करेगा। उसके बावजूद कप्तान सरफराज ने धोखा क्यों दिया, किसके कहने पर दिया। नाज़रीन तुम दिए वादे, मुखालिफ ने सारे उकाब जो समझते थे कि ये चलती है उन्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। इमरान खान साहब से एक गुजारिश ये है, जहां इतने कमीशन बना रहे हैं वहां इस बात का कमीशन भी बनाए कि सरफराज ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की दावत भारत को क्यों दी। उम्मीद है नाज़रीन आप मेरी इस बात से कायल हो चुके होंगे कि भारत मैच जीता नहीं बल्कि भारत को मैच जितवाया गया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हसान हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।